गाइज, आप में से बहुत बंदे कोबरा बंडल की रिटर्न डेट के बारे में पूछ रहे थे कि भाई कोबरा बंडल अपने इंडिया सर्वर में सेकंड टाइम कब रिटर्न में आएगा, क्योंकि भाई फ्री फायर के बाकी अदर सर्वर में कोबरा बंडल दो दो तीन तीन बार रिटर्न में आ चुका है, बट अपने इंडिया सर्वर में सिर्फ एक बार ही रिटर्न में आया है, और वो भी तब आया था जब बुया का लेजेंडरी बंडल आया था। तो उससे पहले एक बार कोबरा बंडल को रिटर्न लाया गया था, लेकिन अब रैम्पेज का ईबीओ बंडल आ रहा है, तो उससे पहले अगर कोबरा बंडल को एक बार और रिटर्न आना तो बनता है। तो कोबरा बंडल अगर रिटर्न आएगा तो कब आएगा, उसकी डेट क्या होगी, या आएगा ही नहीं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ में बात करेंगे अपना रैम्पेज इवेंट कब स्टार्ट होगा, क्योंकि यार बहुत बंदे भाई इसी टेंशन में है कि यार कब रैम्पेज इवेंट स्टार्ट हो और कब हम तगड़े तगड़े आइटम्स को निकालें। तो यार उसकी भी डेट आ चुकी है, बिल्कुल कन्फर्म डेट है गाइस, जो डेट मैं आपको बताऊंगा उसी डेट को आपका रैम्पेज इवेंट स्टार्ट होगा और बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। और गाइस इसी के साथ में अपने इंडिया सर्वर में आने वाले कुछ तगड़े तगड़े ओपी ओपी इवेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं गाइस, मज़ा आ जाएगा देख के, तो उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल भी सेट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताया हूँ अपने इंडिया सर्वर में रैम्पेज इवेंट कब स्टार्ट होने वाला, क्योंकि यार बहुत बंदे ऐसी सोच में पड़े हुए हैं कब रैम्पेज इवेंट स्टार्ट हो और कब उन्हें अच्छे अच्छे आइटम्स अच्छे अच्छे इवेंट्स देखने को मिले। तो गाइस फिलहाल अपने इंडिया सर्वर में और कुछ बाकी अदर सर्वर में बॉम्ब स्क्वाड इवेंट चल रहा है, जिसका पीक डे आज है, यानी कि 11 जून। और जब भी किसी इवेंट का पीक डे होता है उस टाइम से उस इवेंट का एंड होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो जो बॉम्ब स्क्वाड इवेंट है वो 16 जून तक चलेगा, लेकिन पीक डे आज है, तो आज से बॉम्ब स्क्वाड इवेंट की एंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कल हो सकता है गाइस रैम्पेज इवेंट अपने इंडिया सर्वर में स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हाई चांसेस इसी के लग रहे हैं कल से अपने इंडिया सर्वर में रैम्पेज इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको डेने तगड़े तगड़े आइटम्स इवेंट देखने को मिलेंगे। और आइटम्स गाइज मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी दिखा दिए थे, जो अपना कल एक नया सेक्शन आया था हाइपर बुक का, उसी में वो सारे ऑप्शन थे। तो कई बंदे भाई कह रहे थे ओपन नहीं हो रहा है, तो ओपन करने की ट्रिक मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दी थी, बस आपको वहाँ पे डेट चेंज करनी है 25 जून, उसके बाद आपको फिर से अपना फ्री फायर ओपन करना है एंड आपका हाइपर बुक वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो आइटम्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रैम्पेज इवेंट में जो आइटम्स आपको फ्री में मिलेंगे वो आइटम्स भी इसमें दिखाए गए हैं, और जो आइटम्स आपको डायमंड पे करने में मिलेंगे वो आइटम्स भी गाइस यहाँ पे साफ साफ दिखाए गए हैं इस हाइपर बुक ऑप्शन में। तो एक एक करके मैं आपको सारे आइटम्स को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में गाइस आपको डायमंड पे करने वाले आइटम्स देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे गाइस एक बैकपैक की स्किन है जो कि काफी ओपी लग रही है, अपने कलर चेंज कर रही है, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड। और इस बार रैम्पेज इवेंट के जो भी आइटम्स आने गए सब के सब कलर चेंज करते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। सेकंड नंबर पे ग्रेनेड की स्किन आती है, ये भी कलर चेंज कर रही है। थर्ड नंबर पे गाइस एक लूट बॉक्स की स्किन है, ये भी गाइस अपने कलर चेंज कर रही है, काफी तगड़े। उसके बाद में ग्लोअल की स्किन है, ओपी लेजेंडरी ग्लोअल की स्किन होने वाले गाइज, कलर चेंजिंग। एंड उसके बाद में आते हैं कटाना के स्किन, ये भी कलर चेंजिंग, काफ़ी ओपी। एंड उसके बाद में आते हैं अपनी थॉमसन की स्किन, बहुत ही तगड़ी है गाइज, लेकिन एट्रीब्यूट में थोड़ी पीछे रहती है। रेट ऑफ फायर सिंगल बढ़ चुका है, मैगजीन सिंगल माइनस हो चुकी है, एंड आर्मर पेंटेशन डबल हो चुका है। उसके बाद में गाइज अपने एक इमोट रैम्पेज इवेंट का, ये भी गाइज तगड़ा लग रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद में गाइज ये सीक्रेट चीज़ है, अभी तक रिवील नहीं की गई है, पता नहीं क्या है। तो ये तो वो आइटम्स हैं जो कि गाइज आपको डायमंड पे करने पर मिलेंगे। एंड उसके बाद में आते हैं गाइस कुछ फ्री आइटम जो कि आपको फ्री में मिलेंगे, मतलब उनके लिए आपको कोई डायमंड वगैरह पे नहीं करने पड़ेगा, लेकिन कुछ टोकन एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे म्यूजिक हो गया, ठीक है, फ्री में। एंड सेकंड नंबर पे ग्रेनेड की स्किन होगी, थर्ड नंबर पे सफर बोर्ड की स्किन होगी, फोर्थ नंबर पे एक बाइक की स्किन होगी। तो ये आपको फ्री में मिल सकते हैं, एंड हो सकता है जो डायमंड पे करने वाले ऑप्शन में आपके लूट बॉक्स स्किन है, बैकपैक की स्किन है, ये आपको फ्री में मिलें, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो टोकन एक्सचेंज करने वाले इवेंट आएंगे उनमें आपको ये सब आइटम्स मिलेंगे, बाकी जो डायमंड पे करने वाले आइटम है वो तो गाइज आपको कोई फेयर डील में हो गया, कोई वेब इवेंट में हो गया, कोई अलग इवेंट में हो गया, मतलब डायमंड तो उनके लिए भाई आपको देने ही पड़ेंगे। एंड इसी के साथ में गाइज अपना एक रैम्पेज विश इवेंट भी आने वाला है जो कि 22 जून को आएगा, उसमें गाइज आपको पुराने जो पिछले साल अपना रैम्पेज इवेंट आया था उसके रिगार्डिंग जो फीस्ट की स्किन थी, बंडल्स थे, इमोट्स थे, वो सब उसमें रिटर्न में देखने को मिलेंगे। तो 22 जून को वो रैम्पेज विश इवेंट आने वाला है अपने इंडिया सर्वर में। तो यार आप खुद ही देख लो, जून का महीना बहुत ही बुरी तरह से इवेंट से ठुक ठुक के भरा हुआ है, मतलब जब से फ्री फायर मैक्स का पैच अपडेट आया ना तब से यार आप लोग देख सकते हो इवेंट्स की लाइन लग गई है। जून के पहली डेट से ही अपनी ईवो फेमस आ गई, उसके बाद में जॉम्बी समरे बंडल आ गया, और अब छुट्टर पुट्टर थोड़े छोटे मोटे इवेंट जो है चल ही रहे हैं, और अब रैम्पेज इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में तो इवेंट्स की लदेड़ी है। एंड जैसे रैम्पेज इवेंट खत्म होगा तो उसके बाद में 5th एनिवर्सरी आ जाएगी फ्री फायर की, जिसमें आपको अनलिमिटेड फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यार उन सब की अपडेट्स तो मैं आपको लाते ही रहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड इसी के साथ में गाइस एक और अपडेट निकल के आ रही है अपने नेक्स्ट इंक्यूबेटर की तरफ से, जो कि यार रैम्पेज थीम पे बेस्ड ऑक गन स्किन का इंक्यूबेटर होने वाला है, जो कि यार 20 जून को अपने इंडिया सर्वर में आ जाएगा।
और यार इसमें जो ऑक की गन स्किन दी गई है ना भाई, इतनी तगड़ी दी गई है यार, मैं क्या ही बोलूं। आप इन सब ऑक गन स्किन का लुक देख लो, एट्रीब्यूट देख लो, एनिमेशन देख लो, भाई अलग ही लेवल है। तो सबसे जो पहली ऑक गन स्किन होगी इस इनक्यूबेटर की, वो ये रेड वाली है, और इसका एनिमेशन गाइज अलग ही है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट से देख सकते हो, डबल डैमेज हो चुका है, सिंगल रेंज बढ़ चुकी है, एंड एक सिंगल रिलोड स्पीड घट चुकी है, ठीक है। और इसके बाद में आते गाइज यहाँ पे येलो वाली ऑक गन स्किन, इसके भी जो एनिमेशन है गाइज काफी ठीक ठाक है, एंड इसका जो एट्रीब्यूट है वो आप लोग देख सकते हो, डैमेज सिंगल बढ़ चुका है, एक्यूरेसी डबल हो चुकी है, एंड मूवमेंट स्पीड जो है सिंगल घट चुकी है, तो एट्रीब्यूट्स इसके भी ठीक ठाक है। और इसके बाद में आते गाइस यहाँ पे पर्पल वाली ऑक गन स्किन, जिसके एट्रीब्यूट्स आप लोग देख सकते हो, रेंज सिंगल बढ़ चुकी है, रिलोड स्पीड सिंगल घट चुकी है, एंड आर्मर पेंट्रेशन जो है वो डबल बढ़ चुका है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आते गाइस यहाँ पे ग्रीन टाइप की है ऑक गन स्किन, और इसके एट्रीब्यूट्स ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ फायर सिंगल बढ़ चुका है, रेंज जो है डबल हो चुकी है, लेकिन मैगजीन जो है वो माइनस हो चुकी है, तो ये भी ठीक है। तो चले गए, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अपने ड्रैगन स्काइविंग एंड एनिमेशन की तरफ से, जिनकी 100% कंफर्म डेट निकल के आ चुकी है, क्योंकि यार बहुत बंदे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ड्रैगन एनिमेशन एंड स्काइविंग के लिए, एंड मुझसे पूछते भी रहते हैं कि भाई उसकी कंफर्म डेट बता दो। तो गाइज 18 जून को आपको एक नया फेयर व्हील इवेंट देखने को मिलेगा अपने इंडिया सर्वर में, ड्रैगन व्हील नाम से, जिसमें अपने ड्रैगन एनिमेशन एंड स्काइविंग आने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, जब फ्री फायर बैन हुआ था तब ड्रैगन एनिमेशन एंड स्काइविंग को पोस्टपोन कर दिया गया था, सो फाइनली अब वो अपने इंडिया सर्वर में आने वाले हैं। तो भाई जो बंदे एक्साइटेड थे ड्रैगन एनिमेशन एंड स्काइविंग को निकालने के लिए, वो निकाल सकते हो इजीली। तो 18 जून को अपना नेक्स्ट फेयर व्हील इवेंट आएगा ड्रैगन व्हील के नाम से, उसमें आपको ड्रैगन एनिमेशन एंड स्काइविंग देखने को मिलेंगे। तो चले गए, बात कर लेते हैं अपने कोबरा बंडल के 100% कंफर्म रिटर्न डेट और न्यू रैम्पेज ईवीओ बंडल के 100% कंफर्म डेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको रैम्पेज ईवीओ बंडल की कंफर्म डेट बता देता हूँ, उसी के बाद ही मैं आपको कोबरा बंडल की रिटर्न डेट बता पाऊंगा। तो गाइस देखो, हर बार रैम्पेज इवेंट का कोई ना कोई मेन बंडल, कोई ना कोई टॉप बंडल तो रहता ही है, जिसे वो एक ऐसे इवेंट में डालते हैं जहाँ पे अच्छा खर्चा होता है। तो इस बार रैम्पेज इवेंट का जो मेन बंडल है वो है अपना रैम्पेज का ईवीओ बंडल, एंड पिछली बार जो रैम्पेज इवेंट आया था उसका जो मेन बंडल था, टॉप बंडल था, वो आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो ये जो बंडल आया था पिछले साल, वो आया था जून के लास्ट वीक में, क्योंकि उस टाइम जो रैम्पेज इवेंट था वो चला था जून के फर्स्ट वीक में। बट यार अब सीन क्या है कि जो रैम्पेज इवेंट है वो यार जून के सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा, मतलब कल स्टार्ट होगा जहाँ तक है। तो जो अपना रैम्पेज इवेंट है ना, वो यार थोड़ा लंबा चलेगा पिछले वाले रैम्पेज इवेंट के मुकाबले, वो जहाँ तक है जुलाई के फर्स्ट वीक में जाके एंड हो, क्योंकि लेट स्टार्ट हो रहा है ना। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो अपना रैम्पेज ईवीओ बंडल है उसका टोकन टावर इवेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यार इस बार का रैम्पेज इवेंट थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में, वरना गए 27, 28, 29, 30 जून के बीच में कभी भी आ सकता है अपना रैम्पेज का ईवीओ बंडल, और वो आएगा गए टोकन टावर इवेंट में। और टोकन टावर इवेंट वो होगा असेंसर रॉयल, जैसे कोबरा बंडल का असेंसर रॉयल था और बुइया बंडल का बुइया असेंसर रॉयल था, ठीक है। तो सेम ऐसे ही होगा अपने रैम्पेज ईवीओ बंडल का असेंसर रॉयल, जिसमें जो इसका टोकन होगा वो कुछ अलग होगा, एक बुक टाइप का होगा, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जो आप बीच में बुक देख रहे हो ना, कुछ इस टाइप का इसका टोकन होगा, आपको ये 5 कलेक्ट करने होंगे, एंड जैसे आप इन्हें 5ों को कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद में आप अपने रैम्पेज ईवीओ बंडल को क्लेम कर पाओगे। एंड अब बात कर लेते हैं कि अपना कोबरा बंडल रिटर्न आएगा तो कब आएगा, या आएगा ही नहीं। गाइस देखो, आप सभी को पता है जब अपना बुइया बंडल आया था तो उससे पहले कोबरा बंडल को एक बार रिटर्न में डाला गया था, और अभी जब ईवीओ फेमस आई है तो इससे पहले एक्सेमेट को रिटर्न में डाला गया है। तो मतलब कोई भी ईवीओ गन हुई या कोई भी ईवीओ बंडल हुआ तो उससे पहले कोई डिमांडिंग उसके रिगार्डिंग चीज़ रिटर्न में डाली जाती है। तो अपना डिमांडिंग चीज़ क्या है ईवीओ बंडल्स में, कोबरा बंडल। तो यार सिंपल सी बात है, कोबरा बंडल रिटर्न में लाया जाएगा। तो रिटर्न में कब आएगा, जब अपना रैम्पेज ईवीओ बंडल आएगा उससे एक हफ्ता पहले। मतलब सीधा सीधा आपको बताया जाए तो गाइज आपको 25 जून तक वेट करना है। 25 जून तक कभी भी फ्री फायर वाले आपको सरप्राइज कर सकते हैं, सडनली कोबरा बंडल को कोबरा सेंसर रॉयल यानी कि उसी इवेंट में रिटर्न डालेंगे जिसमें वो आया था, जिसमें आपको एग कलेक्ट करने होते थे, ठीक है। तो भाई 25 जून तक वेट कर लो, कभी भी आपका कोबरा बंडल रिटर्न में आ जाएगा, एंड उसी के एक हफ्ते बाद आपका रैम्पेज का ईवीओ बंडल भी आ जाएगा। तो काफ़ी तगड़े डायमंड जो खर्च होंगे, वैसे बताना आप रैम्पेज के ईवीओ बंडल को निकालोगे या कोबरा बंडल को निकालने वाले हो। तो बस गए आज के इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।